2022 के HS अधिकारी सुनील कायत ने संभाला SDM संगड़ाह का कार्यभार। सरकार की विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना व दूर दराज से आने वाले लोगों के काम तुरंत निपटाना रहेगी प्राथमिकता। क्षेत्र में माइनिंग संबंधी एक्टिविटीज पर भी रहेगी नए SDM की पैनी नजर। इससे पूर्व चंबा के भटियात में बतौर नागरिक उपमंडलाधिकारी सेवाएं दे चुके हैं सुनील कायत। संगड़ाह में पिछले करीब 3.5 माह से SDM का पद खाली होने के चलते क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ रही थी परेशानी। सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में 2022 के HS अधिकारी सुनील कायत ने बतौर SDM कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले चंबा के भटियात में कायत बतौर SDM कार्यरत थे और 2012 में तहसीलदार के पद पर उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। JRF क्वालिफाइड सुनील कायस्थ के अनुसार सरकार की विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और दूरदराज के गांव से आने वाले लोगों को उनके कार्यालय में कोई असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। नवनियुक्त SDM ने कहा कि क्षेत्र में मौजूद 5 लाइमस्टोन माइंस में काम नियमानुसार हो इस पर भी उनकी नजर रहेगी और फॉरेस्ट राइट एक्ट संबंधी केसेस जल्द से जल्द निपटाने का भी वह पूरा प्रयास करेंगे। सिरमौर के साथ लगते शिमला जिला के रामपुर बुशहर से संबंध रखने वाले कायस्त के अनुसार वह भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों से परिचित है और हादसों तो आपदा की स्थिति में जल्द से जल्द लोगों को प्रशासन की तरफ से राहत प्रदान किया जाना भी उनकी प्रायोरिटी रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार कायत है। मैं 2022 का HS अधिकारी हूँ और इससे पहले मैं SDM भटियात चंबा में पोस्टेड था और उससे पहले 2.5 साल में DRO चंबा था और 10 साल में तहसीलदार रहा और तहसीलदार कैडर के दौरान मैं हिमाचल के विभिन्न जिलों में एज ए तहसीलदार मैंने अपनी सर्विस दी है और अब मैं इस सब डिवीज़न को ज्वाइन करके जो हमारी मेन मुझे जो प्राथमिकताएं नज़र आ रही हैं जो हमारी सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं धरातल पर उन स्कीम का लोगों को जितना ज़्यादा फ़ायदा होना है उसके लिए हमें काम करना है और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं और ये सब डिवीज़न जो है अपने आप में थोड़ा सा एक इंटीरियर सब डिवीज़न है तो इसमें इसकी कोई कई चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों में जैसे हमारी माइनिंग की जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे। थोड़ा सा FRA इशू है हमारा, FRA से रिलेटेड चीज़ों में भी हमें माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्पीड अप करना होगा। साथ ही साथ पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि कोविड में हमने 2 साल बहुत ही हार्ड टाइम झेला है और हमने सक्सेसफुली कोविड को ओवरकम किया है। दोबारा से अगर कोविड की प्रॉब्लम दोबारा से आती है हमारे सब डिवीज़न में उससे रिलेटेड हम मेडिकल टीम के साथ पहले से तैयारी अपनी सुनिश्चित करेंगे और थर्ड वेव के बाद जो हमें हमारे पास जितनी हमने चुनौतियाँ हैं उनमें हमारे को नई नई चीज़ों का पता चला उस हिसाब से हम काम करेंगे।